पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई के अधिकारियों ने नोटिस जारी कर उन्हें 2 घंटे में पेश होने का निर्देश दिया। इस पर चिदम्बरम के वकील ने सीबीआई से पूछा है कि किस कानून के तहत उन्हें 2 घंटे में पेश होने के लिए कहा गया है। इस पूरे मामले में और क्या क्या हुआ, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के लिए मुश्किलें जो हैं बनी हुई हैं। अब भी ये तय नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच उनकी बेल की सुनवाई करेगी। दरअसल बुधवार सुबह ही उनके जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और विवेक तनखा, सुप्रीम कोर्ट आए थे। कोर्ट नंबर 3 में उन्होंने अर्जी रखी थी कि जल्द से जल्द अर्जेंट हियरिंग की जाए ताकि उनके बेल के सवाल के ऊपर हियरिंग कर सकें, लेकिन जस्टिस रमन्ना ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही तय करेंगे कि इस पर सुनवाई अगर होगी और फिर कौन सा बेंच सुनवाई करेगी। तब तक यानी कि उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है गिरफ्तारी से। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने जो उनकी बेल थी एक्सटेंड नहीं की, यानी कि उसके बाद वो कब भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई का कहना है कि वो एक अहम भागीदार हैं इस कॉन्स्पिरेसी में, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। 300 करोड़ की बात की जाती है INX मीडिया के जो पूरा जो केस को संबंधित है। तो उनका कहना है कि बहुत ज़रूरी है कि वो हिरासत में लिए जाएँ ताकि उनसे पूछताछ की जाए। लेकिन वहीं चिदम्बरम का हाईकोर्ट में रुख रवैया रहा है कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं और ये सारा एक पोलिटिकल षड्यंत्र है, विच हंट है एक तरीके से। और ये भी उनका कहना है कि उनको गिरफ्तारी से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कोई सबूत ऐसा नहीं है जिसको वो ख़राब कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कोई केस नहीं है सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, लेकिन अंतिम फैसला शायद सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी क्या उनको कोई राहत मिलती है अरेस्ट से या नहीं। लेकिन जब तक एक केस की सुनवाई नहीं होती और कोई ऑर्डर नहीं आता, तब तक पी चिदम्बरम जो हैं गिरफ्तार किए जा सकते हैं। अपने घर पे भी नहीं हैं और वहाँ उनके घर पे भी नोटिस चिपका हुआ है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई के तौर से कि वो जल्द से जल्द उनके सामने पेश आएँ पूछताछ के लिए। सुप्रीम कोर्ट से सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।